जी हाँ दोस्तों, आप लोग ने एकदम सही देखा है कि अब आयुष्मान की आईडी जो कि बंद कर दी गई है भारत सरकार के द्वारा। दोस्तों मैं आगे इसके बारे में बताता हूँ, आप लोग पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि मैं आपको इसी तरह से नोटिफिकेशन देते रहूँ। दोस्तों भारत सरकार ने बीच में अभी 2 महीने पहले ही एक नई आईडी लॉन्च की थी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से आप लोग अपना आईडी, चाहे वो सीएससी वाली हो चाहे वो कोई बेनिफिशरी हो, बेनिफिशरी आईडी से भी आप आयुष्मान बना रहे थे, लेकिन अब सरकार ने वो आईडी जो कि बंद कर दी गई है। और आप लोग को मैं ये बता देता हूँ कि जो भी सीएससी वाली हो चाहे वो आम पब्लिक हो, जो अपने मोबाइल से या लैपटॉप से या सीएससी की शॉप से जाके वो अपनी आयुष्मान की आईडी से वो बना रहे थे आयुष्मान, तो दोस्तों अब उनके लिए ये बैड न्यूज़ ये है कि वो अब आयुष्मान नहीं बना सकते, क्योंकि सरकार ने वो आयुष्मान की आईडी बंद कर दी गई है। क्योंकि कुछ ऐसे मेंबर थे जिनकी ऐड मेंबर में वो किसी के भी डॉक्यूमेंट लगा दे रहे थे, और साथ ही साथ उनको यही दिक्कत पड़ रही थी कि सरकार को उनको अप्रूवल 5 मिनट के अंदर हो जाता था, लेकिन अब सरकार ने वो साइड ही बंद कर दी है जिस आईडी से आप लोग आयुष्मान बनाते हैं। तो दोस्तों आप लोग को अब आयुष्मान आप नहीं बना सकते। अब इसमें कुछ और सुधार हो रहा है साइड में, तो कुछ दिनों के बाद देखो चालू हो जाएगा। तो अगर आप लोग को चालू हो जाए तो मेरे सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों अगर आप लोग को आईडी, आप लोग सोच रहे हैं कि आयुष्मान डाउनलोड नहीं होगा, डाउनलोड तो दोस्तों आप लोग का आयुष्मान डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन डाउनलोड के अलावा आप न्यू रजिस्ट्रेशन या आयुष्मान नहीं बना सकते, ना ऐड मेंबर कर सकते हैं। सारे साइड में से हटा दिया गया है, कुछ सुधार होने के बाद ही इसके बारे में आगे जानकारी दे सकते हैं। दोस्तों बस इसी तरह से बने रहिए, मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इसके बारे में आगे की जानकारी आपको देते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।